जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग लगातार जारी है। आज सुबह भी आरसपुरा सेक्टर और कठुआ में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं कुपवाड़ा सेक्टर के माछिल में एक और जवान शहीद हो गया है। फायरिंग में महाराष्ट्र के नितिन सुभाष शहीद हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ के जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए थे। मनदीप सिंह सिख रेजिमेंट के जवान थे। शुक्रवार को पाक सेना की मदद से ही आतंकियों ने जवानों पर हमला बोला था, जिसका जवानों ने करारा जवाब दिया और इसी दौरान मनदीप सिंह शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में एक आतंकी भी ढेर हुआ था। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ भागने से पहले एक आतंकवादी ने बर्बरता की हदें पार करते हुए मनदीप सिंह के शव को शत विशत कर दिया। सेना ने इस घिनौनी हरकत की कड़ी निंदा की है। सेना ने साफ कर दिया है कि इस बर्बर कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर की घटना की विस्तृत जानकारी सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और एनएसए अजीत डोभाल को दे दी है और इस मामले में विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया है। उरी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कल जिस तरह से आतंकवादियों ने शहीद जवान के शव के साथ बर्बरता की, उससे जवानों के परिजनों में गुस्सा है और परिजन चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखते रहिए डीपी लाइव।